आइए आइए राज बाबू। नमस्ते भाभी जी। मुरारी यार, फाइल पे साइन करा दो बॉस से। सही टाइम पर आए हो राज बाबू। मतलब बस 2-3 मिनट में बॉस आने ही वाले हैं। आ गए बॉस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राज, यहाँ कैसे? वो सर अलका को ऑफिस छोड़ने जा रहा था, पता लगा वहाँ कोई कॉन्डोलेंस हो गई। सर वो फाइल पर साइन हो जाता तो क्या है ना, कई जगह पेमेंट करना है। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। तुम यहाँ बैठो। मुरारी तुम मेरी केबिन में आओ। एक मिनट। क्या रहा मुरारी? अरे आपका काम हो जाएगा। थैंक यू मुरारी। ओके। अरे पूरी बात तो सुनो राज। क्या हुआ? एक मिनट नजदीक का हूँ। क्या बोल रहा है तू? अरे छोड़ो, तेरा फोन कर दूंगा। छोड़ो, क्या कर रहा? चलिए चलिए, मत करो साइन। अगले हफ्ते बॉस 3 महीने के लिए यूएस जा रहे हैं। कैसे देगा लोगों को पैसा? सड़कों पर आ जाएगा तू? मैं कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट? कोर्ट? सब साहब लोगों के अंडर में है और तुझे बर्बाद होने का इतना ही शौक है ना, तो जा हो बर्बाद। क्या कहा था उन्होंने अंदर? क्या कहा था उन्होंने? अरे छोड़ो ना, बताओ मुझे क्या कहा था, प्लीज बताओ। क्यों मेरी जुबान गंदी कर रही हो? मुझे जानना है, बताओ। इन फाइलों पर साइन के बदले वो तुम्हें बॉस के साथ सोने को कह रहा था। क्या? हेलो, हाँ कौन? मैं राज की वाइफ। जी बोलिए। अगर मैं फाइल लेकर आऊं तो आप साइन कर देंगे? आपको पता है मुरारी ने आपके पति से क्या कहा है? जी पता है। तो आपको सब मंजूर है? जी। ठीक है, तो आज रात को आ जाइए। पर मेरी एक शर्त है। सर? जी बोलिए। मेरे शरीर को मेरे पति के अलावा किसी ने नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा रहे। तो क्या मैं अंधेरे में साइन करूंगा? मैं साइन करने के बाद का कह रही हूँ। ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल अंधेरा चाहिए मुझे, जिसमें कुछ भी ना दिख सकेगा। ये इंतजाम आपको करना ही होगा। जी हाँ, मैं कर लूंगा। अगर अंधेरा पूरी तरह नहीं हुआ तो मैं लौट जाऊंगी। अरे आप बेफिक्र रहिए, आपको पूरी तरह अंधेरा मिलेगा। जी लाइट ऑन कर सकते हो तुम? पर तुम यहाँ कैसे? शौक क्यों हो गए? मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, दूसरी औरत थरो ने हूँ। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? ये तो मैं कभी नहीं कर सकती।
इस अंधेरे में तुम मेरे साथ कितने खुश थे, इतने खुश तो रोशनी में भी कभी नहीं थे। क्या मैं देखने में इतनी बदसूरत हूँ? नहीं नहीं शिवा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तो दूसरी औरत तो मैं क्या ढूंढते हो जो मुझ में नहीं है? सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। पर तुम यहाँ आई कैसे? बताती हूँ मैं यहाँ कैसे आई। उस मजबूर पति पत्नी को बाहर बातें करते हुए मैंने सब कुछ सुन लिया था और उनसे मैंने फाइल लिया और उनको मैंने वादा किया था कि उन लोगों का काम हो जाएगा। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, तुमसे वादा करता हूँ। कर भी लोगे तो क्या होगा तुम्हारा? सिर्फ मेरी नजरों से गिरने के सिवा? मैं खुद की नजरों में गिर चुका हूँ, प्लीज अपनी नजरों में मत गिराना। तुम्हारे जैसे अय्याश लोग कभी अपनी बीवी को ढंग से देखते भी नहीं है और दूसरे लड़कियों के साथ अपने पैसा और टाइम वेस्ट करते हो, आखिर में खुद बर्बाद हो जाते हो। एक सच बोलूं? नाराज तो नहीं होगी ना? बोल दो, सच अक्सर नाराज ही करता है। मैं अगले हफ्ते यूएस अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। किसी लड़की को अपने साथ लेकर जा रही थी क्या? ले जाने की सोच रहा था। पर अब तुम्हारे साथ जाऊंगा।